हाय अगेन। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक प्रॉब्लम से, पैटर्न एलसीएस से, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। क्या फ्लो रहेगा हमारे पढ़ने का? हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं, क्या इनपुट रहेगा, क्या आउटपुट होगा और क्या पूछ रहा है। फिर हम लोग उसका रिकर्सिव सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग बेस कंडीशन डिस्कस करेंगे और चॉइस डायग्राम जैसे मैंने तुमको पहले बताया। फिर मैं इसका कोड लिखना सिखाऊंगा, राइट? ओके, सो विदाउट अ डिले अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। क्या होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट? अपने को दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी, एक स्ट्रिंग एक्स है, एक स्ट्रिंग वाई है। ये अपनी स्ट्रिंग्स हैं। एक्स स्ट्रिंग में क्या स्टोर है? ए बी सी डी जी एफ। और वाई स्ट्रिंग में क्या स्टोर है? ए बी ई जी एफ एच आर। ठीक है, बहुत सिंपल। ये तो तुम स्ट्रिंग बना सकते हो, स्ट्रिंग एक्स बना लेना, स्ट्रिंग वाई बना लेना और दोनों में इनपुट लेना जैसे इनपुट दे रखा हो, राइट? स्ट्रिंग एस, स्ट्रिंग वाई और इनपुट लेना, तो अपने इनपुट ये दो स्ट्रिंग स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इनपुट में केवल दो स्ट्रिंग है, हमको निकालना गया है। हम लोग को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस निकालनी है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस क्या है? जो इनमें कॉमन है, राइट? अगर मैं बोलूँ क्या इनमें कॉमन क्या है, तो मैं बोलता हूँ ए कॉमन है यहाँ पर भी ए है, मेक सेंस, राइट? बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पर भी है, ठीक है। सी है यहाँ पर, नहीं सी नहीं है। डी है यहाँ पर, डी है। जी नहीं है, और एच है यहाँ पर कॉमन, तो एच है, राइट? तो बेसिकली इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस क्या जाएगी? ए बी डी एच, राइट? सो ये आउटपुट में आ जाएगा ए बी डी एच। तो हम लोगों को क्या देना है? ए बी डी एच देना है? नहीं, हम लोगों को एक्चुअली में इसकी लेंथ देनी है। तो अगर ये आया है ए बी डी एच 1 2 3 4, तो आउटपुट में हम लोग को 4 प्रिंट कराना है। सो बेसिकली वी हैव टू प्रिंट द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। आउटपुट में हमको लेंथ देनी है, ठीक है, मेक सेंस? अच्छा, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस है, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग नहीं है, क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पर फिर से हम लोग वही अपना प्रीवियस एग्जाम्पल ले लेते हैं। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में क्या हुआ कि हम लोगों ने ये छोड़ छोड़ के भी ले सकते हैं, राइट? यहाँ पर हमने ए बी लिया, सी छोड़ दिया, डी लिया, जी छोड़ दिया। लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग क्या है कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग अगर मैं इसमें बोलूँ तो यहाँ हो जाएगी कॉन्टिन्यूस। क्या है सबसे ज़्यादा साथ में? ए बी साथ में और ए बी यहाँ पर साथ में, और कुछ सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग तो दिख नहीं रही मेरे को। तो इसकी लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग हो जाएगी ए बी, राइट? कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, ये कॉन्टिन्यूस है। डी भी आ रहा है, डी यहाँ पर भी आ रहा है, पर बीच में यहाँ सी है, यहाँ पर ई है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो अपन ये इसको नहीं ले सकते कि ए बी डी नहीं ले सकते। यहाँ कॉन्टिन्यूस होता है, सब स्ट्रिंग कॉन्टिन्यूस होती है, सब सिक्वेंस डिसकॉन्टिन्यूस हो सकती है। तो यहाँ पर सब स्ट्रिंग नहीं निकालनी हम लोग को, मैंने जस्ट क्लैरिफाई करने के लिए बताया। यहाँ पर हम लोग को डिसकॉन्टिन्यूस ही निकालना है। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 4। हमको लॉन्गेस्ट कॉमन सब सिक्वेंस की लेंथ निकाल के देनी है, राइट? ओके, अब हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, तो मूव ऑन करते हैं रिकर्सिव डिस्कशन में। रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे इसका सबसे पहले, जैसे मैंने तुमको बताया रिकर्सिव अप्रोच लिखते हैं, और रिकर्सिव ही उसको हम लोग या तो मेमोराइज कर सकते हैं डीपी बनाने के लिए, या तो उसका टॉप डाउन लिख सकते हैं। आइदर वे इज करेक्ट, ठीक है? तो अपन दोनों करेंगे, पहले स्टार्टिंग तो रिकर्सिव से ही करेंगे, ठीक है? अच्छा, मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम्हें अगर नैपसैक में कुछ भी याद हो, अगर नहीं है तो नैपसैक का वीडियो देख सकते हो, पर मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा जल्दी से रिकैप करा देता हूँ। रिकर्सिव सॉल्यूशन में क्या सोचना होता है अपने को? तीन बातें सोचनी होती हैं। पहला तो क्या बेस कंडीशन क्या होगी, दूसरी बात क्या है चॉइस डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है? क्या क्या है मैं बताऊंगा एक एक करके। तीसरी बात क्या है कि अपने को इनपुट को स्मॉल करने की सोचनी चाहिए, इनपुट को कैसे स्मॉल करें, राइट? ठीक है, सो बेसिक रिकर्सिव पे अपने को तीन बातें, अगर रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखा जा रहा है तो अपने को ये तीन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इनपुट क्या है? इनपुट है दो स्ट्रिंग एक्स और वाई, राइट? तो हमको कैसे भी अगर हम रिकर्सिव कॉल फंक्शन पे कर रहे हैं एक्स और वाई, और ये रिकर्सिव कॉल अपने फंक्शन में दोबारा फंक्शन कॉल होता है, तो इस बार ये स्मॉलर एक्स होना चाहिए और स्मॉलर वाई होना चाहिए, राइट? ये जो x है और ये जो y है, ये कुछ ना कुछ पहले से इसकी लेंथ कम होनी चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। पहला इनपुट जो है, इनपुट को हमेशा स्मॉल करने की कोशिश करो, तभी रिकर्सन खत्म होगा, नहीं तो रिकर्सन खत्म नहीं होगा, ठीक है?
मैं ये तुम्हें नैपसैक में भी बता चुका हूँ, पर इतना कुछ जरूरी नहीं है, यहाँ पर मैं दोबारा रिकैप करा देता हूँ। तो इनपुट को मैं कैसे ख़त्म करते हैं, इनपुट दे रखा है मान लो एरे स्ट्रिंग है जो भी, हम लोग उसको पीछे से चेक करते हैं, राइट। हम लोग इस वाले ब्लॉक पे, लेट से ये एरे क्या है 0 1 2 3 4, और ये एरे दे रखा है, तो हम लोग सबसे लास्ट जो है एरे साइज क्या है 4, साइज मान लो n है, तो हम लोग n माइनस 1 चेक करेंगे सबसे पहले, राइट। और n माइनस 1 जो है इंडेक्स, ये लास्ट इंडेक्स चेक करेंगे और इसको डिसाइड कर लेंगे। डिसीजन क्या लेंगे वो अपन देखते हैं, अभी अपन नहीं सोच रहे डिसीजन क्या है, डिसीजन बेस करेगा चॉइस डायग्राम पे। बस मैं बता रहा हूँ कि स्मॉलर कैसे करना है, अपने को इनपुट है और इनपुट को स्मॉलर इनपुट में कैसे चेंज करना है रिकर्सिव में। तो हम लोग लास्ट का देखते हैं एलिमेंट, और लास्ट के एलिमेंट को डिसाइड करते हैं अपने चॉइस डायग्राम से जो भी करना है डिसीजन लेना है, और उसके बाद हम लोग इसको हमेशा के लिए हटा देते हैं और अपने पास इनपुट ये बचता है। तो हम लोग जो इसका साइज पहले क्या था, अगर साइज n था, यहाँ पर 4 है, n इज इक्वल टू 4, तो अब की बार जो अगली बार प्रीवियस अपन कॉल करेंगे वो अपन कॉल करेंगे साइज n माइनस 1 के लिए, 3 के लिए, और इसको अपन नहीं कॉल करेंगे, इसको हमेशा के लिए हटा देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों ने तीसरी चीज़, स्मॉलर इनपुट पे कॉल करना है। अब आ जाते हैं बेस कंडीशन पे। पहली चीज़ जो रिकर्सन में सोचनी है, मैंने बताया था तीन चीज़ें सोचनी है, बेस कंडीशन, चॉइस डायग्राम, और थर्ड चीज़ क्या है, स्मॉलर इनपुट। तो स्मॉलर इनपुट समझ में आ गया कि कैसे करना है, हम लोग को लास्ट का देखना है और उसको उसके बाद n माइनस 1 पे कॉल कर देना है। तो यहाँ पर इनपुट है क्या, यहाँ पर एरे नहीं है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, कोई बात नहीं। स्ट्रिंग क्या है अपने पास, हम लोग पहले दो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग्स दे रखे हैं, राइट। ऐसा कुछ इनपुट था अपने पास, ए बी ई डी एफ एच और आर। तो हम लोग इसकी ये लास्ट का देखेंगे, इसका लास्ट का देखेंगे, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे कि इसको लेना है, इसको लेना है नहीं लेना, उसके बाद इस ये कॉल करेंगे बाकी बचे हुए का, राइट। इसको हटा देंगे मेरे लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बेस कंडीशन में, बेस कंडीशन कैसे लिखते हैं। मैंने तो मैं नैपसैक के वीडियो में भी बताया था, अगर नैपसैक नहीं पढ़ा तो नैपसैक भी पढ़ो, नैपसैक पे 7 क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, और अनबाउंडेड नैपसैक पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 11 क्वेश्चन नैपसैक पे भी बनते हैं, राइट। अगर नैपसैक नहीं पढ़ा जाकर रिफ़र करना नैपसैक को भी, वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं जो काफ़ी काम आएंगी कोडिंग में। सो बेसिकली अभी बेस कंडीशन में क्या है, मैं ये बता चुका हूँ, मैं एक बार रिवाइज करा था जिन्होंने नहीं देखा है पुरानी वीडियो। बेस कंडीशन में हमको क्या करना होता है, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। बेस कंडीशन निकालने के लिए थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, कभी ऐसे मत करना कि मैंने फंक्शन चलाया इनपुट पे, लेट्स से एन पे चलाया, तो फंक्शन फिर किसको कॉल करेगा, फंक्शन एन माइनस 1 को कॉल करेगा, फंक्शन एन माइनस 2 को कॉल करेगा, फिर एन माइनस 2 एन माइनस 4 को कॉल करेगा, जो भी है ऐसे चला के कभी मत देखना। और ये मत सोचना चला के देखूंगा फिर मैं देखूंगा कि बेस कंडीशन कहाँ हिट कर रही है, क्या होगी बेस कंडीशन, कहाँ रुकना है, ऐसे तुम अगर रुकोगे ना तो कभी रुक ही नहीं पाओगे। अरे बात समझ में, ऐसे रिकर्सन चला के बेस कंडीशन निकालने वाले लोग ना बहुत गधे लोग हैं भाई, मत करना कभी ऐसा कि रिकर्सन चला के देख रहे हो कि बेस कंडीशन क्या आएगी। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, बेस कंडीशन जब भी लिखनी है थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, ठीक है। इनपुट क्या है यहाँ पर, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, इनपुट है स्ट्रिंग एक्स और वाई, मेरे को कुछ स्ट्रिंग दे रखी है ये, और ये स्ट्रिंग दे रखी है। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, स्मॉल कैसे करोगे इसको, और वैलिड भी हो, मतलब लेस से ये स्ट्रिंग है इसका साइज है एन, ये स्ट्रिंग है इसका साइज है एम, राइट। लिख लेता हूँ मैं कुछ ना कुछ, लेट्स से आदित्य है और वर्मा है, दो स्ट्रिंग दे रखी हैं, राइट। तो इसका साइज है 6 और इसका साइज है 5। सो मेरे को क्या सोचना है, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट सोचना है, जो साइज है यही तो है, इसको स्मॉल करना है, राइट, और वैलिड भी होना चाहिए, स्मॉल करना है और मेरे को ये वैलिड भी होना चाहिए। तो क्या इनपुट हो सकता है, अपन अगर बोले कि लेट्स से एन मैं लेता हूँ माइनस 1, तो क्या मतलब होगा, क्या ये वैलिड इनपुट होगा कि साइज स्ट्रिंग का साइज माइनस 1 है, इसका तो कोई मतलब ही निकलना। तो n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, क्या यही स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट होंगे, सोचो एक बार। स्ट्रिंग का साइज है, स्ट्रिंग का साइज दे रखा है अपने को 10, अपन इसको छोटा करेंगे, स्मॉल करो और, तो क्या हो सकता है 9 हो सकता है, और स्मॉल करो 8 हो सकता है, ऐसे करते करते और स्मॉल करो 1 हो सकता है, और स्मॉल करो स्ट्रिंग 0 भी हो सकती है, एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, राइट, और स्मॉल कर सकते हो क्या, नहीं। तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या है अपने पास, 0। आ रही नवाज समझ में, क्या बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग का साइज
देखो स्ट्रिंग का साइज लेट्स से 10 दे रखा, तो इसको देखो 9 कर सकते हैं हाँ वैलिड है, 8 कर सकते हैं हाँ वैलिड है, करते करते 2 कर सकते हैं हाँ वैलिड है, 1 कर सकते हैं वैलिड है, और एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है नल स्ट्रिंग, ठीक है, तो 0 साइज भी वैलिड है, -1 इनवैलिड है, तो स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट सोचना है अपने को, क्या सोचना है स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम लोगों को बेस कंडीशन में कोड लिख लेते हैं, बेस कंडीशन समझ में आ गई है, तो बेस कंडीशन पे ये इनपुट सोचो और इसके लिए सोचो एलसीएस क्या आएगी, जब अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है एक्स और एक स्ट्रिंग दे रखी है वाई और इसमें स्ट्रिंग एम्प्टी है ये स्ट्रिंग भी एम्प्टी है, तो अभी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस भी क्या होगी एम्प्टी होगी, मतलब उसकी लेंथ भी क्या होगी जीरो होगी, जब अपने को स्ट्रिंग एक्स की भी लेंथ जीरो दे रखी है स्ट्रिंग वाई की भी लेंथ जीरो दे रखी है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस भी दोनों में जब कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, यहाँ पर भी स्ट्रिंग नहीं है यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस भी क्या होगी कॉमन भी क्या होगी, जब स्ट्रिंग ही नहीं है तो इनमें कॉमन कैसे निकालेंगे, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस भी क्या होगी जीरो होगी, ठीक है। तो बेस कंडीशन कैसे लिखोगे, तो अपने बेस कंडीशन समझ में आ गया, तो अपने को इतना समझ में आ गया कि बेस कंडीशन में कोड क्या होने वाला है, इफ एन इज इक्वल टू जीरो और एम इज इक्वल टू जीरो, कोई एक स्ट्रिंग में जीरो हो जाए, मैंने बोला कोई एक स्ट्रिंग में जीरो हो जाए, क्या अपन ने इनपुट लिया था लेट्स से एक स्ट्रिंग है ए बी सी एक्स और दूसरी स्ट्रिंग है एम्प्टी, कोई एक स्ट्रिंग भी अगर एम्प्टी है तो लॉन्गेस्ट कॉमन क्या है इनमें से, इधर तो ए बी सी लिखा है इधर क्या लिखा है कुछ भी नहीं, तो लॉन्गेस्ट कॉमन कॉमन क्या है इसमें, कोई कॉमन दिख रहा है क्या, ए दिख रहा है इधर नहीं, बी भी नहीं दिख रहा इधर, सी भी नहीं दिख रहा है, लॉन्गेस्ट कॉमन क्या आ गया जीरो, तो अगर कोई एक भी जीरो है तो अपन रिटर्न कर देंगे क्या जीरो, या अपने को आंसर रिटर्न कर देना, तो ये तो हमारा बेस कंडीशन कोड हो गया, ठीक है। बेस कंडीशन इज डन, स्मॉलर इनपुट इज डन, तीसरी चीज क्या रह गई है, तीसरी चीज है चॉइस डायग्राम, वो क्या होता है काफी फैंसी टर्म लग रहा होगा तुमने, कैसे बनाते हैं चॉइस डायग्राम, चॉइस डायग्राम ही मेन रिकर्सन का कोड होता है, मैंने ये पहले भी बताया कि रिकर्सिव फंक्शन क्या लिखते हैं अपन, यहाँ पर अपन लिखते हैं इसका रिटर्न टाइप इंट या जो भी लिखेंगे, यहाँ फंक्शन लिखेंगे, इसमें आते हैं इनपुट्स, ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं बेस कंडीशन, रिकर्सन का जनरल बता रहा हूँ मैं कि रिकर्सन कैसा दिखता है, और यहाँ पर जो लिखते हैं ना वो चॉइस डायग्राम पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है चॉइस डायग्राम पे, राइट। तो अगर ये इंट है ये फंक्शन है यहाँ पर रिटर्न टाइप होगा, ये रिकर्सिव फंक्शन है हमारा, ये इसके इनपुट है, यहाँ बेस कंडीशन होती है और यहाँ पर चॉइस डायग्राम का कोड होता है, तब तो चॉइस डायग्राम बनाते हैं, लास्ट चॉइस डायग्राम क्या बोलता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं अपना सबसे पहला वाला जिससे अपन ने स्टार्टिंग करी थी, क्या था कि एक्स है ए बी सी डी जी एच और वाई क्या है, वाई है ए बी ई डी एफ एच और आर, ओके ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ चॉइस क्या है अपने पास, क्या क्या चॉइस आ रही है देख लेते हैं, मैंने बोला लेट्स से मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करता हूँ खाली एक कंसेप्ट समझाने के लिए, एग्जाम्पल को ले लेते हैं ए बी सी डी जी एच फिर वापस एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, और ए बी ई डी एच यहाँ तक एच तक ले लेते हैं आर रहने देते हैं अभी, तो मैंने बोला हम लोग किसको देखते हैं इनपुट को लास्ट से देखते हैं और उसको फिर स्मॉल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने लास्ट में देखा यहाँ पर भी एच है यहाँ पर भी एच है, ठीक है, तो एच एच मैच कर गया, तो अपने को पता चल गया कि इस अपने आंसर में एच तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये कॉमन है लॉन्गेस्ट कॉमन में एच तो आएगा ही आएगा, तो अपन बाकी किस पे कॉल कर देंगे इस पे और इस पे, इसमें कितना मैच कर रहा है, तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर ये लास्ट वाला जो हम लोग चेक कर रहे हैं दोनों स्ट्रिंग का मतलब एक्स ये क्या है इसकी लेंथ है एन और इसकी लेंथ है एम, तो एक्स का जो एन माइनस वन है वो अगर इक्वल है वाई के एम माइनस वन के, अगर इफ ऐसा है तो हम लोग क्या है एक्स की लेंथ कम कर दो, एक्स की लेंथ कर दो एन माइनस वन और वाई की लेंथ कर दो एम माइनस वन, पहले लेंथ क्या थी इसकी एन थी यहाँ तक अपना लेंथ कम कर दी, आ रही बात समझ में, हम लोग को ये करना है, ठीक है। और अगर ये सोचो कि ये इक्वल नहीं था, वापस पुराने वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ए बी सी डी जी एच एक तरफ है और दूसरी तरफ है ए बी ई डी एफ एच आर, राइट ठीक है। अगर मैं देखता हूँ इसका लास्ट का देखा और इसका लास्ट का देखा, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, एच है यहाँ पर आर है, एच और आर
मैच नहीं कर रहा, तो अपने को ये पता है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट कॉमन में वही आएगा जो कॉमन होगा, यहाँ पर एच था, यहाँ पर भी एच था, यहाँ एच है, यहाँ आर है, तो ये कॉमन तो नहीं है। तो हम लोग अब इसमें चेक करें और इसमें चेक करें, नहीं, यहाँ पर तुम ध्यान से समझो, ये इसके संग तो मैच नहीं कर रहा है, ये जब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये वाला, अगर अपन ये पूरा ले लें स्ट्रिंग, ये इसके संग मैच कर जाए, जैसे यहाँ पर देखो ना, इसका एच इसके एच के संग मैच कर गया। तो बेसिकली हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम लोग ए बी सी डी जी एच है, यहाँ पर ए बी ई डी एफ एच आर है, और ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, पर हो सकता है कि अभी हम लोग इसका ये वाला लें और यहाँ पर ये पूरा ले लें, क्या पता यहाँ पर अगर आर होता तो इसका आर इसके आर के संग मैच कर जाता, राइट, यहाँ पर अगर आर होता तो इसका आर इसके आर के संग मैच कर जाता। तो बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ कि अगर ये मैच नहीं कर रहा है, जब दो सब स्ट्रिंग दे रखी हैं, हम लोग उसका लास्ट का देख रहे हैं, दो सब स्ट्रिंग कह रहा हूँ स्ट्रिंग दे रखी है, हम लोग उसका लास्ट का देख रहे हैं, अगर हमने देखा ये लास्ट का और इसका लास्ट, ये एक्स है ये वाई है, और ये दोनों मैच कर गए, तो हम लोग बेसिकली इस पे कॉल कर देंगे और इस पे कॉल कर देंगे, क्यों, ये तो मैच कर गया ना, एक अपने पास ये कॉमन में सीक्वेंस में आ गया, पर लेट्स से ये अगर मैच नहीं कराया, लेट्स से ये मैच नहीं करा, ये जो है इसका लास्ट और इसका लास्ट मैच नहीं करता है, तो अपने पास दो चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस क्या है, एक तो अपन ये स्ट्रिंग पूरी ले लें हूबहू और इसकी स्ट्रिंग को ये वाला हटा के लें, और दूसरी चॉइस क्या है, अपन ये वाली स्ट्रिंग जो है इसमें ये वाला हटा के ले लें और ये वाली स्ट्रिंग हूबहू ले लें। अरे बात समझ कह रहा हूँ, अभी ये दोनों आखिर का इनका मैच नहीं करा, तो पहले तो मैच कर गया, तो बेसिकली एक ही चॉइस है अपने पास कि अपन ये दोनों का ही लास्ट वाला एलिमेंट हटा दो और ऐसा लिख दो। पर अगर मैच नहीं करा है तो क्या होता है, हो सकता है जैसे यहाँ हो रहा ना, यहाँ पर ये एच और आर मैच नहीं कर रहा था, राइट, यहाँ पर जो लास्ट का एलिमेंट एच था और यहाँ पर आर था वो मैच नहीं कर रहा था, पर अगर मैं ये पूरा ले लूँ और इसमें केवल ये वाला लूँ तो इसमें ये यहाँ पर एच दिख रहा है तुम्हें और यहाँ पर भी एच दिख रहा है, तो ये मैच कर सकता है ना, और ऐसे इसका अल्टरनेटिव केस, इसको मैं यहाँ तक लूँ, इसको मैं यहाँ तक लूँ और इसको मैं पूरा ले लूँ, तो उसमें भी हो सकता है कुछ मैच कर जाए, तो इन दोनों का मेरे को क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट निकालना है, तो मैं इन दोनों चॉइस का क्या ले लूँगा, मैक्सिमम ले लूँगा, याद है जो चॉइस डायग्राम में जो चॉइसेस आती हैं ना, और जो अपने से पूछा होता है, मिनिमम पूछा होता है, मैक्सिमम पूछा होता है, जो भी पूछा है वो इन चॉइस डायग्राम में ही अपन मैक्सिमम मिनिमम कर देते हैं। तो बेसिकली चॉइस डायग्राम क्या बन रहा है, चॉइस डायग्राम बन रहा है, देखते हैं क्या है चॉइस डायग्राम। मेरे पास एक स्ट्रिंग दे रखी है यहाँ पर, ये दूसरी स्ट्रिंग दे रखी है, ये अलग अलग साइज की है, ठीक है, मैंने इसका लास्ट का चेक करा और मैंने इसका लास्ट का चेक करा, राइट, मैंने बोला ये दोनों इसके लास्ट और इसका लास्ट क्या है, चॉइस डायग्राम देखते हैं ना बहुत आराम से, और इसी पे डिपेंड करेगा ये क्या है चॉइस डायग्राम, इसी पे डिपेंड करेगा कि अपन रिकर्सिव कोड क्या लिखेंगे। एक बार तुमने ये बना लिया ना तो रिकर्सिव कोड बनाना बहुत ईजी है, ठीक है, रिकर्सिव कोड लिखना बहुत ईजी है। तो मैंने बोला ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अगर दूसरा केस क्या हो सकता है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये दोनों मैच कर रहे हो तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी एक ही चॉइस है, मेरे को ये यहाँ से भी हटा देना है और यहाँ से भी हटा देना है, इसका लास्ट का यहाँ से भी हटा देना है, यहाँ से भी हटा देना है, पर अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास दो चॉइसेस है, दो चॉइसेस क्या है मेरे पास, या तो मैं इसका ये और ये लूँ, या तो मैं यहाँ पर इसका लास्ट, यहाँ ब्लू वाले का जो लास्ट है ना वो हटा दूँ और ब्लैक वाले का लास्ट मैं रहने दूँ। आरी वसम, ये दो चॉइसेस हैं। सो जब मेरे पास दोनों की लास्ट के एलिमेंट, ब्लू वाला लास्ट का एलिमेंट जो स्ट्रिंग ब्लू है, उसका लास्ट का एलिमेंट जो स्ट्रिंग ब्लैक है, उसका लास्ट का एलिमेंट मैच कर रहा है, तो मैं दोनों का लास्ट का एलिमेंट हटा दूंगा, पर अगर मैच नहीं कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी एक का हटाऊंगा एक टाइम पे, तो मैंने इस बार ब्लू का रखा, ब्लैक का हटा दिया, और इस बार ब्लू का हटा दिया और ब्लैक का रखा, आई एम सॉरी, ये ब्लैक है, सब ब्लैक का रखा,
ठीक है। और क्योंकि अपने को क्या चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस चाहिए, कॉमन सबसिक्वेंस लॉन्गेस्ट चाहिए। तो लॉन्गेस्ट, अब देखो जहाँ पर तुम्हें चॉइस मिल रही है, यहाँ पर तो ये क्या चॉइस मिल रही है, यहाँ तो इफ़ कंडीशन लगी है एक्चुअली में, इफ़ अगर मैच कर रहा है कि नहीं, ये चॉइस नहीं है यहाँ पर, देखो ये तो इफ़ कंडीशन के बाद है। तो यहाँ पर एक ही चॉइस मिल रही है, यहाँ दो चॉइसेस है, या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो। तो यहाँ पर तुम क्या लगा दो मैक्सिमम, क्योंकि क्या पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस। एक बार ये कर लिया ना तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैंने लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस क्या रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा बताओ। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में अपने को क्या रिटर्न करना है, एक्चुअली में लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस जो कि 4 आ रही थी इस वाले केस में, जो अपन ने एग्जाम्पल लिया था। तो अपन रिटर्न करेंगे इंट, फिर मैंने फंक्शन लिखा एल सी एस, राइट। उसमें मैं ये स्ट्रिंग पास कर दूंगा, स्ट्रिंग एक्स पास कर दूंगा, स्ट्रिंग वाई पास कर दूंगा, इसके साथ साथ इसका साइज भी पास कर दूंगा, इंट एन और इंट एम। यही तो इनपुट में था, एक स्ट्रिंग थी, दो स्ट्रिंग दे रखी थी, उनका साइज भी था, तो अपन ने ये पास कर दिया। फिर मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, बेस कंडीशन जो हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, बेस कंडीशन पहले ही लिख चुके हैं, राइट। बेस कंडीशन क्या थी, इफ एन इज इक्वल टू जीरो और एम इज इक्वल टू जीरो रिटर्न जीरो, तो ये हो गई मेरी बेस कंडीशन। अब मैंने बोला यहाँ पर मैं लिखूंगा बाकी बची हुई जगह पर चॉइस डायग्राम, क्या लिखूंगा, चॉइस डायग्राम का कोड। जो चॉइस डायग्राम का भी कोड देख लेते हैं, क्या बोला चॉइस डायग्राम, चॉइस डायग्राम का कोड बोलता है, सबसे पहले अपने को चॉइस डायग्राम लिखते हैं, इफ़ बोलना है। अच्छा, सबसे पहले तो इफ बोलना है, इफ लिखते हैं, इफ क्या इफ है कि लास्ट का मैच कर रहा है कि नहीं। तो एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू वाई एन माइनस वन है कि नहीं, अगर है तो हम लोग यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ अपने को कोई चॉइस मिल रही है क्या, नहीं, यहाँ तो कोई चॉइस नहीं मिल रही। तो यहाँ पर क्या है, खाली दोनों को हटा दो, यहाँ पे दो चॉइस थी, यहाँ पर एक का हटा सकते थे एक टाइम पे, यहाँ पर ब्लू वाले का रखा, ब्लैक वाले का हटा दिया, और ब्लू वाले का हटा दिया, ब्लैक वाले का रखा, यहाँ पर दोनों को हटा दिया, ब्लू का भी हटा दिया लास्ट का एलिमेंट और ब्लैक का भी लास्ट का एलिमेंट हटा दिया हम लोगों ने। तो बेसिकली अभी हम लोगों को चॉइस नहीं मिल रही, तो रिटर्न। और हाँ, पर ये क्या है, यहाँ पर ये कॉमन आ जाएगा, ये वाला जो है ये कॉमन आ जाएगा, राइट। केप पेन खत्म हो गया है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला लास्ट का कॉमन आ गया है। तो अपने को ये, अगर ये H है और ये भी H है, अगर ये H है और ये भी H है, तो अपने को एक LCS में एक प्लस कर देना है, LCS जो भी आएगी बाद में, इसमें से और इसमें से LCS निकल के जो भी आएगी उसमें प्लस वन कर देना, क्योंकि अपने को पता है यहाँ पर ये वाला तो कॉमन था, उसके बाद इसमें से LCS निकालो, LCS इसमें से निकालो और उसमें प्लस वन कर दो, राइट। मेरे को पता है भाई, मतलब मेरे को दो स्ट्रिंग दे रखी है और मेरे को पता चल गया कि ये लास्ट वाला तो दोनों का कॉमन है, तो अब तुम LCS इस वाले स्ट्रिंग में से निकाल लो बची हुई से जो, और इसमें से निकाल दो प्लस वन कर देना, क्यों, क्योंकि ये वाला तो कॉमन मिल ही गया है, बाकी LCS तुम इन दोनों में से निकाल दो और प्लस वन कर दो। तो यहाँ पर क्या करूँगा, रिटर्न में प्लस वन किया मैंने, और LCS में क्या करूँगा, दोनों में से माइनस हो रहा है, तो x तो वैसे ही पास कर दी, y तो वैसे ही पास कर दी, साइज कम कर दिया, n माइनस वन कर दिया, पहले n साइज था m साइज था, अब कि n माइनस वन m माइनस वन कर दिया, राइट। और फिर else में क्या है, else में अपने पास दो चॉइस है, चॉइस क्या क्या है अपने पास, चॉइस अपने पास पहली चॉइस बोलता है कि LCS क्या करो, x x में रिटेन रखा है हम लोगों ने लास्ट का एलिमेंट, तो x की जो साइज है वो n है, तो n को n रख दो, और y में अपन ने ब्लैक वाला हटा दिया तो m माइनस वन कर दिया, ये चॉइस से पहली होगी। दूसरी चॉइस में क्या है, अपन ने x पहले वाले का हटा दिया, तो LCS x और y तो स्ट्रिंग है, तो इसमें अपन n है तो इसका साइज कम कर देंगे और इसका साइज m का m रहने देंगे पहले जैसा, ठीक है। इसमें दोनों का कम किया था n माइनस वन m माइनस वन, यहाँ पर अपन ने एक टाइम पे एक का किया है, और इन दोनों चॉइसेस में से क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है। चॉइस डायग्राम एक बार सही बना दिया ना तो एकदम सही बना दोगे, तो यहाँ पर ये रिटर्न कर दो। वन प्लस क्यों नहीं करा यहाँ पर, यहाँ पर वन प्लस क्या, यहाँ प्लस वन प्लस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो कॉमन ही नहीं आया था ना, यहाँ पर एच है और यहाँ पर आर आ रहा है, मान लो यहाँ पर एच है और यहाँ पर लास्ट वाले में आर आ रहा है, यहाँ पर मान लो अगर एच आ रहा है यहाँ पर आर आ रहा है, तो ये LCS में काउंट थोड़ी ना होगा, इसमें प्लस वन करने की जरूरत थोड़ी ना है, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉमन नहीं है। लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में अगर ये कॉमन आ रहा है तो प्लस वन करो, नहीं आ रहा तो नहीं, तो वही हम लोग यहाँ किया, अगर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस में ये इक्वल है तो यहाँ प्लस वन कर दिया है, और इक्वल नहीं है तो खाली रिटर्न वन मैक्सिमम कर दिया, इसमें से रिटर्न मैक्सिमम कर दो तो आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली ये कोड हो गया LCS का, आई होप समझ में आ गया होगा।
अभी नेक्स्ट हम लोग इसमें मेमोराइज करेंगे इसको, उसको डीपी बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके बाद इसका टॉप डाउन पढ़ेंगे। काफ़ी ईजी है। कितने लाइन का कोड है? 1 2 3 4 5 6, छः भी नहीं है यार, ये तो एक ही इसमें लिख दिया है वाला अलग, राइट। 1 2 3 4 5, पांच लाइन का कोड है। इतना आसान कोड है। तुम लोगों को ऐसे ही प्रॉब्लम अप्रोच करने में समझ में नहीं आ रही थी, मैंने क्या बताया, एक बार अपन समअप कर लेते जो भी मैंने अभी तक बताया तुमको। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि बेसिकली सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि एल सी एस में क्या होगा। एल सी एस में को दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी, एक्स और वाई, दो स्ट्रिंग दे रखी होंगी, उसका साइज भी होगा एन और एम। फिर मैंने बोला कि रिकर्सिव कोड लिखना है इसका, और उसमें अपने को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस की लेंथ निकाल के देनी है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया कोई भी रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखते हैं, पहले उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम और उसमें इनपुट दे देते हैं, फिर उसकी बेस कंडीशन लिखते हैं। बेस कंडीशन कैसे लिखेंगे, बेस कंडीशन इसकी बेस कंडीशन कैसे लिखेंगे? तो मैंने बताया कि बेस कंडीशन के लिए थिंक ऑफ द स्मॉलेस्ट इनपुट। तो स्मॉलेस्ट इनपुट तुमने सोचा तो क्या आ गया, स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट, इनवैलिड भी नहीं सोचना। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ जीरो हो सकती है या फिर इस लेंथ की, इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ हो सकती है जीरो। तो अपन ने बोला कि अगर दोनों की लेंथ जीरो हो गई तो रिटर्न क्या कर दो, जीरो कर दो। उसके बाद हम लोग चॉइस डायग्राम बनाया। चॉइस डायग्राम में क्या था, या तो ये लास्ट का कैरेक्टर इक्वल हो सकता है, ये जो लास्ट वाला है यहाँ पर, ये जो लास्ट वाला है। आज मेरे सारे पेन खत्म हो रहे हैं यार, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। ठीक है, ये जो लास्ट है और यहाँ पर ये जो लास्ट है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, अगर ये इक्वल आते हैं तो एक ही चॉइस है कि या तो इसमें और इसमें करो, और अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो या तो एक बार ये वाले को रिटर्न रखो लास्ट एलिमेंट और इसका हटा दो, और या तो एक बार इसका हटा दो और फिर लास्ट वाले का रिटर्न रखो। इस चॉइस डायग्राम पे अपन ने कोड लिख लिया, ठीक है। तो बेसिकली अपने को रिकर्सिव कोड लिख लेंगे, तीन कंडीशन सोचनी पड़ती हैं, बेस कंडीशन, चॉइस डायग्राम और स्मॉलर इनपुट। अच्छा, स्मॉलर इनपुट क्या हुआ था, यहाँ पर स्मॉलर इनपुट हो रहा है ना, स्मॉलर इनपुट यहाँ एन था इनपुट में, यहाँ एम था, अपन ने स्मॉलर इनपुट हो गया एन माइनस वन, एम माइनस वन हो गया। यहाँ पर भी एन तो सेम रहा पर यहाँ पर एम माइनस वन हो गया। हर एक रिकर्सिव कॉल में कोई इनपुट, अगर चार इनपुट है ना उसमें से एटलीस्ट एक तो स्मॉल होना चाहिए, एन माइनस वन हो रहा है यहाँ एम से ही है, तो यहाँ पर स्मॉलर इनपुट पर कॉल करो। हमेशा दोबारा रिकर्सिव कॉल करोगे वो स्मॉलर इनपुट पर करोगे। सो बेसिकली मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। सो अगले में हम लोग इसका मेमोराइज वर्जन देखेंगे। थैंक्स।